वर्ल्ड कप 2019 का 44वां मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था और इस मुकाबले में पाकिस्तान के द्वारा एक ऐसी हरकत की गई जिसके बाद आईसीसी के ऊपर पाकिस्तान की पूरी टीम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बैन करने तक की रिक्वेस्ट आ गई है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों आईसीसी के ऊपर अब पाकिस्तान की टीम के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाने तक के ऑर्डर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यह पूरी खबर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019 में जीत जाए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच जब श्रीलंका की टीम की बल्लेबाजी आई हुई थी और भारतीय टीम फील्डिंग कर रही थी, उस दौरान पाकिस्तान के कुछ जहाज उस मैदान के ऊपर उड़ते हुए नजर आए थे और दोस्तों उस जहाज के साथ कुछ बैनर्स लटके हुए थे और उस बैनर के ऊपर जस्टिस फॉर कश्मीर के नारे लग रहे थे। दोस्तों, अगर कोई भी टीम इस तरह की कोई हरकत करती है वो आईसीसी के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। और दोस्तों, अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई फेक न्यूज़ दे रहा हूँ तो दोस्तों पहले बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको कोई भी फेक न्यूज़ देखने को नहीं मिलती है। आप वहाँ क्रिकेट का ब्लॉग पढ़ लीजिए, वहाँ क्रिकेट एबीपी न्यूज़ जो चैनल है उसकी ही प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी फर्जी खबर नहीं आती है। तो दोस्तों, इस मैदान के ऊपर जो ये जहाज उड़ाए गए थे, इन्होंने एक दो चक्कर नहीं लगाए मैदान के, बल्कि इन्होंने पूरे कुल 9 चक्कर मैदान के लगाए थे। और दोस्तों, जो ये जस्टिस फॉर कश्मीर के नारे लगे थे उससे भारतीय टीम को काफी शर्मिंदा होना पड़ा। और दोस्तों, इसके ठीक बाद फौरन बीसीसीआई ने आईसीसी से एक बार दोबारा अपील की कि पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह से क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा ये शर्मिंदा हरकत कोई पहली बार नहीं हो रही है। इस तरह की कुछ हरकतें पहले भी पाकिस्तान टीम के द्वारा हो चुकी है। हालांकि दोस्तों, इसमें पाकिस्तान टीम की तो कोई गलती नहीं है, पर लेकिन जो पाकिस्तान देश है उसी से पाकिस्तान की टीम जुड़ी है और इसीलिए आईसीसी जो भी एक्शंस लेगा वो सभी के सभी पाकिस्तान की टीम के ऊपर लागू होने वाले हैं। दोस्तों, 2009 में जब पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जा रहा था, तब पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट ने श्रीलंका के खिलाड़ियों पर अटैक कर दिया था। उसके बाद आज तक कुछ ज्यादा मैचेस पाकिस्तान के अंदर नहीं हुए, सभी की सभी अंतरराष्ट्रीय टीमें पाकिस्तान का टूर करने से मना कर देती है। परंतु दोस्तों, यहां पर जो भारतीय टीम के ऊपर यह विमान उड़ाए गए, इसके बाद आईसीसी के ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के जरूर ऑर्डर आ गए हैं। क्योंकि दोस्तों, जब पहला मुकाबला भारतीय टीम का खेला गया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस मुकाबले में धोनी ने अपने ग्लव्स पर आर्मी का बैच यूज किया था। उसके ठीक बाद पाकिस्तान टीम ने भी बीसीसीआई के ऊपर यह अपील की थी कि धोनी को एक ग्लव्स हटाने चाहिए। उसके बाद धोनी ने आईसीसी के ऑर्डर पर एकदम यह ग्लव्स हटा लिए थे। और दोस्तों, यहां पर भी पाकिस्तान की इस हरकत के ऊपर शायद आईसीसी पूरी तरह से सस्पेंड पाकिस्तान टीम को कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस हरकत के बाद पाकिस्तान टीम को सस्पेंड करना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।